अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रभास के जो क्रेजी फैंस है वो आदि पुरुष मूवी के लिए पागलों की तरह वेट कर रहे हैं और प्रभास का एक किलर लुक देखने के लिए लिटरली पूरा इंटरनेट हिला रहे हैं। इतनी हाई वोल्टेज मूवी बन चुकी है प्रभास के आदि पुरुष, क्योंकि प्रभास के आदि पुरुष हमें वो बवाल चीज दिखा रही है जिसे पूरे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में कोई भी मायका लाल नहीं बना सका, द ग्रेट इपिक रामायण को। देखो आदि पुरुष के क्रेज का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो टीजर रिलीज होने से पहले ही। मूवी के फैन मेड कॉन्सेप्ट आर्ट्स लिटरली आग लगा रहा है पूरे इंटरनेट को और इससे ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि फैंस लिटरली मरे जा रहे हैं प्रभास के आदि पुरुष का सिर्फ एक झलक देखने के लिए। पर जिस तरह से ये फैन मेड कॉन्सेप्ट आर्ट निकल के आया है जिसमें प्रभास का ग्लोरियस श्री राम का लुक नजर आता है जो गरुड़राज जटायु से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और जटायु फर्स्ट पर्सन है जिसने माँ सीता का रेस्क्यू करने के लिए रावण से फाइट की, जिसमें जटायु के विंग्स को रावण काट देता है और जब जटायु श्री राम से मिलता है तब वो श्री राम को रावण के सारे कारण बता देता है और उसे हाई वोल्टेज कन्वर्सेशन को इस डेडली कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है जिसके विजुअल काफी स्टनिंग है और लिटरली जिसने भी इसे बनाया है उसका पैशन, उसकी दीवानगी इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर नजर आ रही है और स्पेशली ये वानर वाले आर्ट में, जिसे देख के लिटरली मुझे बजरंगबली की याद आ गई जो संजीवनी बूटी का मॉन्स्टरस माउंटेन एक हाथ में उठा के लेके आते हैं। इस सीन को इमेजिन करते ही मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, जाने किस इपिक लेवल पे वो सीन होगा और ओम राउत जैसा डायरेक्टर उसे किस बवाल लेवल पे दिखाएगा। अब ये सभी को पता है कि आदि पुरुष इंडिया की सबसे महंगी मूवी है और पूरे 500 करोड़ रुपए फूंक रहे हैं आदि पुरुष को बनाने के लिए। ऊपर से ये मूवी पैन वर्ल्ड लेवल पे रिलीज हो रही है, यानी डायरेक्टली प्रभास का डेब्यू हो रहा है हॉलीवुड में। इसके अलावा जब ये मूवी पूरी दुनिया में रिलीज होगी तो इसका बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ेगा, क्योंकि द ग्रेट रामायण हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्शन की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा वो हनुमान के लंका जलाने से लेके श्री राम और रावण के फेस ऑफ तक, और कुंभकर्ण जैसे मॉन्स्टर को कौन भूल सकता है जो कि मूवी का हाईलाइट होगा, और वानर सेना के जलवे देख के लिटरली सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यानी इतना इपिक और बैडएस एक्शन हमें आदि पुरुष मूवी के अंदर देखने को मिलेगा और इस किलर कंसेप्ट आर्ट को देख के और भी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, क्योंकि प्रभास के इस लुक को देख के लिटरली कोई भी फिदा हो जाए। देखो अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और जिस लेवल पे इस मूवी का इंसेन क्रेज चल रहा है, लिटरली आदि पुरुष 2 से 3 हजार करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे छापने वाली है और अपने ओपनिंग डे पे ही 150 से 200 करोड़ का बिजनेस करेगी, वो भी मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर इस मूवी के VFX विजुअल्स और एक्शन इपिक लेवल के निकले जो कि ऑब्वियसली क्रेजी होने ही वाले है, तो हॉलीवुड से लेकर पूरे वर्ल्ड सिनेमा तक आदि पुरुष एक रिकॉर्ड बनाएगी जिसका विटनेस पूरा वर्ल्ड होगा। इस पे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है और तुम कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, इसे दिल खोलकर कमेंट कर देना। और इसी बात पे GVF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।